चर्चा शुरू करते हैं। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरिष्ठ पत्रकार गणेश पांडे जी, आपका स्वागत है और स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अभिनव बरोलिया जी और राकेश शर्मा भाजपा की ओर से। तो सबसे पहले अभिनव जी आपके पास आते हैं, उदयपुर से एक नई कांग्रेस का उदय, यानी युवक कांग्रेस को काफी कुछ उम्मीद है और युवक कांग्रेस का अपने ही दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है या युवाओं के साथ इंसाफ नहीं हो पाया है? देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसने जिस तरीके से आपने देखा होगा महापौर के टिकट सबसे पहले डिक्लेयर किए और उसमें सतना और छिंदवाड़ा, कटनी, रतलाम, यहाँ पे हमने सभी युवाओं को टिकट दिए। उसके बाद आप देख सकते हैं अभी भी यहाँ पे जिस तरीके से लिस्ट जहाँ भोपाल में युवाओं को टिकट दिया गया उसमें सभी युवाओं को टिकट दिया गया। हाँ, एक कई जगह नाराजगी है, जैसे भोपाल के विशेष का विरोध प्रदर्शन हो सकता है, मतलब युवक कांग्रेस के जो हमारे जिलाध्यक्ष हैं नरेंद्र यादव, वो टिकट की डिमांड कर रहे थे लेकिन उनके क्षेत्र में जहाँ पर जो पुराने विक्रांत भुरिया का समर्थन था इस आंदोलन को, बिल्कुल आंदोलन को किसी का समर्थन नहीं होता, ये एक व्यक्ति विशेष जो विरोध होता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, ये युवक कांग्रेस का, युवक कांग्रेस का विरोध था, विशेष था, ये एक व्यक्ति विशेष के साथ कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। युवा हैं, आज मैं भी युवा हूँ, वो भी युवा है, कई चीजें कांग्रेस की लोकतंत्र जो व्यवस्था है उससे जोड़कर देख रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने विरोध किया, उन्होंने किसी के विरोध में नारेबाजी नहीं करी, उनने अपनी बात रखने का विरोध किया। ये कांग्रेस का लोकतंत्र जिंदा है। मतलब उदयपुर के बाद एक बात हो गई है कि विरोध कर सकते हैं, वही बता रहा हूँ, यही हमारी पार्टी का लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है जो मजबूत बनाता है, अपनी बात हर कोई रख सकता है और बिल्कुल अच्छे से। तो ऐसे में जब निकाय चुनाव में चंद घंटे बचे हैं, नाम वापसी, बी फॉर्म, तो ऐसे में बड़ी चुनौती क्या है? देखिए, कांग्रेस से बागी हो रहे, मेरा सवाल जी, बागी या फिर अंदर रह के भीतरघात? देखिए, कोई भीतरघात नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब बातें हैं। कल भी हमारे तरुण भानोट जी ने अपने बयान दिया था कि किस तरीके से सब प्रभारियों को जगह जगह पे भेज दिया है, जहां जहां भी थोड़ा बहुत रोष है, गुस्सा है, प्रभारियों को जितने भी प्रभारी बनाए गए थे हमारे यहाँ पर चुनाव के लिए, वो अपनी बात, जो भी गुस्सा और नाराजगी जिस देश की जहाँ जहाँ भी आ रही है, आती है। हाँ बिल्कुल, चलिए चलिए लौट रहा हूँ। राकेश शर्मा जी, कांग्रेस में तो खुलेआम लोकतंत्र के नाम पर विरोध प्रदर्शन, भाजपा में कुछ दूसरे तरीके से विरोध है क्या? अब तो लगभग सूची तीन चार बार के, कम से कम भोपाल को देखें, इंदौर को देखें, फिर उसमें मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट कि नहीं भाई आपराधिक पृष्ठभूमि के नहीं होंगे, तो ये सब क्या है? मतलब सब कुछ ठीक ठाक है या जो कांग्रेस में चल रहा है उससे बीजेपी भी अछूती नहीं है? देखिए राकेश जी, आप बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, वो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को कवरेज कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जब टिकट बांटे गए तो जिला चयन समिति थी, फिर संभागीय चयन समिति थी, उसमें नाम तय किए गए। आज अगर आपको भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में कुछ लोग नजर आ रहे हैं तो इसलिए नजर आ रहे हैं कि वहां त्रिस्तरीय अपील समिति बैठी हुई है। भगवान दास सबनानी जी हो, विनोद गोटिया जी हो, या बंसीलाल गुर्जर जी, टिकट वितरण में कोई गड़बड़ तो हुई है तभी अपील समिति के पास। देखिए, मेरा एक निवेदन है स्पष्ट रूप से आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी में हमेशा से ये परंपरा रही है कि कार्यकर्ता की बात को सुनने के लिए विभिन्न मंच उपलब्ध रहते हैं और कार्यकर्ता वहां अपनी बात रखता है। तो ये और मैं एक मिनट और दावे के साथ कह रहा हूं कि एक भी उम्मीदवार आपको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का निर्दलीय खड़ा नहीं मिलेगा। नाम वापसी की तारीख के दिन सब नाम वापस इंतजार करेंगे। लेकिन जो बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, कार्यकर्ता की पार्टी सुनती है, सुनती सबकी है और करती मन की है क्या? नहीं, मेरा यह निवेदन है, देखिए ये तो स्पष्ट हो जाना चाहिए कि लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, लगातार केंद्र में और मध्य प्रदेश में सरकारें, लगातार भारतीय जनता पार्टी का संगठन का विस्तार हो रहा है, एक एक स्थान पे पांच पांच छह छह उम्मीदवार थे, उम्मीदवारी का मौका एक व्यक्ति को मिलता है, चुनाव लड़ने का एक व्यक्ति को मिलता है। बाकी मैं बार बार विभिन्न मंचों पर कहता हूं और आज भी कह रहा हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तय नहीं हो जाते, जब तक हर व्यक्ति को, हर कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का हक है तो और नेता तो उसकी बात सुन रहा है। जो जिस पर आज चर्चा हो रही है, खतरा किससे है? जो अंदर रह के भीतरघात कर सकते हैं या जो बगावत कर सकते हैं? क्योंकि कांग्रेस से अलग बीजेपी में अनुशासन का डंडा कुछ जोर से चलता है, तो बागी की संभावना ज्यादा है, खतरा उनसे है या फिर भीतरघात से? देखिए, ना भीतरघात होगा ना कोई बागी होगा। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी में ने 16 में से 16 नगर निगम जीते थे, इस बार भी हम 16 में से 16 नगर निगम जीतेंगे। नेतृत्व जमीन पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर पार्टी के